हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज आप लोग के सामने बताने जा रही हूं बहुत ही अच्छा टिप्स, जिसकी सहायता से आप अपने घर पे ही अपने चेहरे का फेशियल कर सकते हैं, वो भी दो चीजों के इस्तेमाल करके। अगर आप ये चीज अपने घर पे इस्तेमाल करोगे रेगुलरली तो पार्लर जाना बिल्कुल आप भूल जाओगे। बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है और सिर्फ दो चीजों से ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसको क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो लिया है वो है हमारा मिल्क। तो हम लेंगे ठंडा दूध, मलाई वाला दूध है। फ्रिज में अगर हो, अगर ठंडा दूध हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर रूम टेम्परेचर पे दूध हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो लगभग थोड़ा सा हमें दूध लेना है, 1 से 1.5 चम्मच, जितना कि हम फेस पे मसाज कर सके, गर्दन पे मसाज कर सके। अगर आपको पूरे बॉडी पे करना है तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। तो दूध लेने के बाद उसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स डालना है वो है हमारा नमक। नमक बहुत ही अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है ये फेस के लिए। तो नमक डाल करके और इस तरह से दूध जो है, अगर ठंडा दूध हो, फ्रिज में रखा हुआ दूध हो, वो तो और भी अच्छा होगा फेस के लिए। तो इस तरह से हमें इसको मिला करके और अपने फेस का क्लींजिंग करना है। ध्यान रखिए कि आपको फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने फेस को बहुत ही अच्छे से पहले इस तरह से क्लींजिंग कर लेना है। लगभग 5 मिनट तक इसे लगातार आपको फेस पे लगा करके मसाज जैसा करना है। उसके बाद जैसे ही ये 5 मिनट हो जाएगा, उसके बाद इसे हमें रुई से पोंछ लेना है, किसी भी कपड़े से पोंछ लेना है। आप इसको पानी से भी पोंछ सकते हो, लेकिन फेस वॉश या किसी भी दूसरे तीसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रुई से इसको पोंछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको मैं बताती हूँ आपको करना कैसे है। जैसे भी आप फेशियल करते हो, पार्लर जाते हो, तो इस तरह से आप, मैं आपको फेस पे ना करा के मैं आपको एक तरह से डेमो दिखा रही हूँ हाथ पे, इस तरह से आपको क्लींजिंग करना है। तो आपको जहां भी लगाना है, चाहे आपके गर्दन पे हो गया, नेक पे हो गया, फेस पे हो गया, कहीं पे भी डाल करके इस तरह से आपको क्लींजिंग करना है। बिल्कुल सर्कुलर मोशन में इस तरह से करना है। इससे क्या होते हैं कि जो हमारे फेस के पोर्स वगैरह होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इस तरह से हमें लगातार इसको 5 मिनट तक इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। बस मैं डेमो दिखा रही हूँ, मैं 5 मिनट आपको करके बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हूँ। आपको रेगुलरली 5 मिनट तक इसे करना है, लगातार आपको करते हुए रहना है, ताकि ये जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए हमारे फेस में। दूध में बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग का नेचर होता है, बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देता है। कहीं पे भी आप लगा लो, आप बहुत ही अच्छा, आपका फेस हो गया चाहे स्किन हो गया, सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता है। तो इस तरह से आपको दूध और नमक मिला करके फेस का क्लींजिंग यानी कि क्लीनिंग करना है। तो इस तरह से मैं आपको डेमो दिखा रही हूं, आपको लगातार इसको करते हुए एब्जॉर्ब करा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मैं बताती हूं। तो मैंने देखिए हाथ को काफी अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको बिल्कुल भी ना साबुन से रब करना है, ना ही फेस वॉश है, किसी भी चीज से आपको फेस को बिल्कुल भी धोना नहीं है। इसको धोने के बाद नॉर्मल या तो आप कॉटन से पोंछ लो या फिर पानी से पोंछ लो। इस तरह से साफ करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जिसे हमें अपने फेस का मसाज करना है। तो इसमें जो पहला इन्ग्रीडियंट्स हम लेंगे वो है हमारा, ये देखिए, टमाटर। बहुत ही अच्छा इसमें नेचर होता है ये, जब हम इसे पोर से करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे फेस को टाइट करता है, ग्लो देता है हमारे चेहरे पे, टाइटन करता है स्किन को, जवां जिसको कहते हैं, जवां बनाता है, क्योंकि आपके स्किन को ये बहुत ही अच्छे से टाइट करता है, पोर्स को, हमारे फेस के पोर्स को, ये स्किन के पोर्स को ये भर देता है, जिससे हमारा स्किन जो है काफी टाइट टाइट फील होता है और हमें जवां जवां सा फीलिंग आता है। तो काफी अच्छा है ये, और इसका इस्तेमाल करने के बाद आप बिल्कुल भी पार्लर का रास्ता भूल जाओगे। काफी नेचुरल है और घर में हमारा अवेलेबल होता है, हर घर में टमाटर होता है। तो आप इसे वीक में 2 बार, एक बार आप कर सकते हैं, जब भी आप इसको टाइम मिले आप इससे फेशियल कर सकते हैं। तो टमाटर इस तरह से लेने के बाद इसे हमें 2 भागों में कट करना है। तो 2 भाग में इस तरह से टमाटर को कट कर लीजिए।
ये हो गया, कट हो गया। इसका जो दाना वगैरह होता है यही हमें काफी हेल्प करता है फेस को ये करने में। इसमें थोड़ा थोड़ा हम छेद कर देते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जूसी हो जाए और फेस में हमें ज्यादा से ज्यादा इसका जूस आ जाए। जब हम मसाज करें इससे तो फेस में हमारे इससे ज्यादा से ज्यादा जूस आ जाए। तो इस तरह से हमें छेद करने के बाद इसमें हमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स डालना है, क्योंकि हमें आधा टमाटर की ही जरूरत है, तो आधा हमने साइड कर दिया है। तो एक ये टमाटर हो गया, और इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा शहद यानी कि हनी। हनी इस पे बूंद, दो तीन बूंद गिरा दीजिए इस तरह से, और फिर इसे हमें मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करना है, बिल्कुल भी जोर से दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करना। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। जैसे ये हमारा फेस है, फेस पे मैं नहीं दिखा रही हूं, मैं हाथों पे दिखा रही हूँ। इस तरह से लेकर के आपको पूरे फेस पे इस तरह से आपको मसाज करना है। और ये जो टमाटर है, टमाटर का मतलब हल्का हल्का जूस इससे निकलते रहना चाहिए ताकि फेस में हमारा काफी अच्छा ग्लो आए, क्योंकि इसका जूस निकलेगा तभी हमारे जो पोर्स वगैरह है वो भरेंगे और स्किन टाइटन होगी, लाइटन होगी, ब्राइटन होगी। और इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको लगातार इस तरह से मसाज करना है। तो मैं एक तरह से आपको डेमो दे रही हूँ, मैं अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हूँ। आपको फेस पे इस तरह से लगाना है, सर्कुलर मोशन में लगाना है, बहुत ही इफेक्टिव है फ्रेंड्स। मैं क्या मानूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, नेचुरल है। आपकी इससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, काफ़ी अच्छा स्किन आपका ग्लो करेगा। आपके जो स्किन के नीचे झुर्रियाँ आ गई हैं, आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ गई हैं, और एजिंग दिख रहा है, एज दिख रहे हैं आप, तो जरूर से जरूर आप ये नुस्खा ट्राई करें अपने घर पे। इस तरह से लगातार हमें 15 से 20 मिनट तक सर्कुलर मोशन में गर्दन पे, फेस पे, चिक पे, नाकू के ऊपर, सब जगह इसको इस तरह से टमाटर को हल्का इस तरह से दबाते हुए, ताकि इसके अंदर का जो जूस वगैरह वो बाहर आते रहे, और लगातार आप इसे मसाज करते रहे, काफी इफेक्टिव है। इस तरह से आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट जैसे ही हो जाएगा, आप देखिएगा कि टमाटर के अंदर का जो है हनी है वो लगभग खत्म हो गया। इसमें हमें थोड़ा सा और हनी मिला करके और लगातार फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो इस तरह से आपका जो स्किन है बहुत ही जल्दी देखिएगा काफी अच्छा अच्छा फील होगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। इस तरह से मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ। 10 से 15 मिनट होने के बाद स्किन को आप इसको धो लेना है, तो मैं आपको धो करके दिखा देती हूँ। तो मैंने धो लिया है फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम के लिए मैंने किया था, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसको यूज करोगे काफी अच्छा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा आपको, इसका रिजल्ट आएगा। ये जो टमाटर और हनी का जो काफी अच्छा है ये मिक्सचर, इससे फेशियल अगर आप एक बार करोगे तो आपको बिल्कुल ही फायदा नजर आएगा और आप पार्लर का रास्ता बहुत ही जल्दी भूल जाओगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे ब्यूटी टिप्स आप लोग के साथ सीक्रेट शेयर की है। तो अगर अच्छा लगा होगा कोई सा भी वीडियो तो प्लीज लाइक करें, और साथ में साथ अपने कमेंट को, कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को जरूर शेयर करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।